नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। उत्तर भारत में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश की संभावना। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत में जनवरी के महीने में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में अगले 24 घंटे में शीतलहर की स्थिति हो सकती है। झारखंड के आंदोलनकारियों को मिलेगा सम्मान। मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरसावा गोलीकांड के बीच शहीदों को श्रद्धांजलि देने खरसावा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने 9 वर्ष पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य के लिए संघर्ष करने वाले सभी आंदोलनकारियों को सम्मान मिलेगा। सरकार ने कोल्हान के गुआ के शहीदों को जंगल से खोज कर नौकरी दी। अब खरसावा के शहीदों के आश्रितों को भी सहायता के साथ सम्मान मिलेगा। पीएम आवास योजना में कोडरमा को बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड। झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया नगर परिषद को पीएम आवास योजना शहरी घटक 4 में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरे राज्य में बेस्ट म्यूनिसिपल काउंसिल का अवार्ड मिला। बता दें, शुक्रवार को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कोडरमा के DC व झुमरी तिलैया नगर परिषद के प्रशासक कौशलेश कुमार को अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। चिट फंड कंपनी मातृभूमि के 5 निदेशक पर CBI रांची में प्राथमिकी। CBI की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा ने करीब 1 करोड़ रुपए के चिट फंड घोटाले में कंपनी मातृभूमि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड के 1 निदेशक, 4 सहायक निदेशक सहित 10 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर CBI की आर्थिक अपराध शाखा राज्य में चिटफंड घोटाले के मामले का अनुसंधान कर रही है। बता दें, इसी कड़ी में जामतला थाने में 14 नवंबर 2014 व 6 जनवरी 2015 को दर्ज 2 कांडों को टेकओवर करते हुए CBI ने यह प्राथमिकी दर्ज की है। DVC ने बढ़ाई बिजली कटौती। मासिक बकाया नियमित करने को लेकर लगातार दबाव बना रही DVC ने नए वर्ष के पहले दिन से बिजली कटौती में बढ़ोतरी कर दी है। शुक्रवार को सामान्य दिनों की अपेक्षा DVC कमांड एरिया के 7 जिलों में 338 मेगावाट का बड़ा अंतर आ गया। बता दें, पहले DVC इन क्षेत्रों में रोजाना लगभग 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करती है। बता दें, आनंद फानन में झारखंड बिजली वितरण निगम के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने बिजली की व्यवस्था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से की, तब जाकर हालत सामान्य हुई। DVC रांची समेत कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धरबांध में बिजली की आपूर्ति करती है। रांची रेल मंडल में यात्रियों को मिलेगी नई सौगात। 9 वर्ष में रांची रेल मंडल के यात्रियों को नई सुविधा मिलेगी। बता दें, मार्च के अंत तक रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 1A व सैलून साइडिंग को हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय का नवीकरण किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम के पास लिफ्ट लगाया जाएगा। वहीं मोरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 का समतलीकरण भी होगा। 2 जनवरी को झारखंड के 5 जिलों में चलेगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। कोरोना वैक्सीन के रिहर्सल के लिए 2 जनवरी को झारखंड में ड्राई रन होगा। इसके लिए 5 जिलों को तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि भारत सरकार ने केवल रांची जिले में ही ड्राई रन की अनुमति दी है, पर राज्य सरकार ने तय किया है कि सूबे में रांची के साथ साथ चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू और पाकुड़ में भी ड्राई रन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे टीकाकरण की तैयारियां का रिहर्सल भी हो जाएगा। ड्राई रन के दौरान जो भी कमी नजर आएगी उसे तत्काल दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्राई रन बिल्कुल टीकाकरण अभियान जैसा ही होता है। झारखंड कृषि मंत्री ने आंदोलनरत किसानों के साथ बिताई साल 2020 की आखिरी रात। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने 31 दिसंबर दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के साथ बिताई। कृषि मंत्री साल के आखिरी दिन दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद वहां से वे सीधे सिंधु बॉर्डर के पास किसानों के चल रहे उग्र आंदोलन में शरीक होने देर रात पहुंच गए। इस दौरान किसानों के लिए खाना बनाने के साथ साथ उन्होंने कड़ाके की ठंड के बावजूद पूरी रात किसानों के साथ बिताई। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हम अपने घर में नया साल अच्छे से मनाएं और हमारे किसान देश स्तर पर आंदोलन करें यह कहीं से उचित नहीं है। झारखंड में 128 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 71, पूर्वी सिंहभूम 12, धनबाद 8, बोकारो 3, रामगढ़ 4, हजारीबाग 1, सरायकेला 2, देवघर 2, पलामू 11, गढ़वा 1, खोटी 2,
सिमडेगा 1, लातेहार 2, लोहरदगा 1, साहेबगंज 3, दुमका 3, जामताड़ा 1 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 115,241 है, जबकि 112,529 लोग स्वस्थ हुए और 1030 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 17,080 मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस 249,414 है, वहीं कुल मौत की संख्या 149,205 है। झारखंड में कुल एक्टिव केस 1682 है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि शनिवार से रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में थोड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शनिवार से रांची समेत आसपास के इलाके में हल्का बादल छा सकता है। पूरे राज्य में दो जिलों को छोड़कर औसत न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं जामताड़ा का औसत न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री और पूर्वी सिंहभूम का औसत न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री है। झारखंड को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा। केंद्र सरकार ने नए साल पर झारखंड को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा दिया है। इसके तहत राजधानी रांची में नई तकनीकी से 1008 आवास का निर्माण कराया जाना है। बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनाए जाने वाले आवास में केंद्र, राज्य और लाभों का अंशदान होगा। दिल्ली से ऑनलाइन शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल का सपना पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मध्यम वर्ग को सस्ते मकान उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से की मांग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के दौरान कहा कि ये आवास लगभग 13 लाख रुपए का होगा, जिसमें 350 स्क्वायर फीट का आवास होगा। अगर झारखंड में सभी लोगों के पास 13 लाख रुपए हो जाए, फिर तो मुझे लगता है लोगों को लाइट हाउस की आवश्यकता नहीं, बल्कि खुद से लोग भव्य आवास बना लेंगे। उन्होंने कहा कि आपको बताएं, लाइट हाउस योजना के तहत इस आवास की कुल लागत 13 लाख होनी है, जिसमें 5 लाख का अंशदान केंद्र सरकार को देना है, जबकि 1 लाख का अंशदान राज्य सरकार को देना है, बाकी लागत लाभुक को देना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पीएम से कहा कि झारखंड में लोगों की आय कम है, यहाँ मजदूरी तबके के लोग रहते हैं। इस योजना के तहत लाभुकों का बोझ कैसे कम हो, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है, इसमें अपना अंशदान बढ़ाए। धनबाद में टायर के रंग का 12 फीट ऊंचा हाथी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जनवरी की जगह मार्च में होना है, लेकिन नगर निगम ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बता दें, अपनी रैंकिंग सुधारने की दिशा में नगर निगम हर वो कदम उठा रहा है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उसे बेहतर रैंक दिलाए। इसमें वॉल पेंटिंग से लेकर बेकार की चीज़ों से आकर्षक और देखने लायक चीज़ों का निर्माण भी शामिल है। बता दें, इसी क्रम में अब नगर निगम पुराने टायरों का प्रयोग करने जा रहा है। पहली दफा धनबाद में अनुपयोगी पुराने टायर का उपयोग कर 12 फीट का हाथी बनाया जा रहा है। जेपीएससी के अध्यक्ष से झारखंड के युवाओं को नौकरी को लेकर सीएम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 9 वर्ष के पहले दिन शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह एवं झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने मुलाकात की और 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। सीएम ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कहा कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिल सके। झारखंड के साइबर ठग कई राज्यों के लोगों को बना रहे शिकार। जामताड़ा के साइबर अपराधियों के कारण झारखंड को देश में फजीहत उठानी तो पड़ ही रही थी, पर अब देवघर जिला भी साइबर अपराध के नए गढ़ के रूप में सामने आया है। बता दें, जामताड़ा से अधिक अब देवघर जिले से राज्य के बाहर के लोगों से साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 28 दिसंबर 2020 तक अलग अलग राज्यों की पुलिस ने झारखंड से साइबर अपराध के 1242 मामले की जांच में मदद मांगी है। 9 वर्ष में रजरप्पा में उमड़ी भीड़। झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका के पावन धरती पर 9 वर्ष को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। जिले के एसपी प्रभात कुमार रजरप्पा मंदिर पहुंचकर व्यापक सुरक्षा तैनात किया। 9 वर्ष को लेकर झारखंड के कोने कोने से श्रद्धालु सहित पर्यटक की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके कारण यहां शराबियों और हुंडागिरी मचाने वाले लोगों पर जिला प्रशासन सख्ती से तैनात है। आईडी पासवर्ड नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेगा एसोसिएशन। अगले सप्ताह तक अगर कक्षा 8वीं बोर्ड के रजिस्ट्रेशन हेतु पासवर्ड निर्गत नहीं किया गया तो गैर मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उक्त बातें झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है। उन्होंने कहा कि जैक के द्वारा कक्षा 8वीं बोर्ड में सभी निजी विद्यालयों को कक्षा 8वीं बोर्ड के बच्चों को परीक्षा दिलाने हेतु
सभी जिले में पासवर्ड निर्गत किया गया है, परंतु उसके बावजूद भी धनबाद जिला शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को पासवर्ड नहीं देना यह एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अंग्रेजी नववर्ष मनाने पर अखंड भारत संस्थान ने जताया विरोध। राजधानी रांची स्थित अल्बर्ट एका चौक पर अखंड भारत संस्थान की ओर से शुक्रवार को अंग्रेजी नववर्ष मनाए जाने के विरोध किया। संगठन ने हिंदू धर्म के पूर्वज महापुरुषों को याद किया। अखंड भारत के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने बताया कि 1 जनवरी को नववर्ष मनाना गुलामी का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति और सामाजिक ताना बाना के अनुसार रात 12:01 पर दिन कैसे हो सकता है, इस पर सभी को चिंतन करना चाहिए। यह ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों द्वारा थोपी गई संस्कृति और परंपरा का निर्वाह है। इससे मुक्ति के लिए अब लोगों को आगे आने की जरूरत है। नक्सलियों उग्रवादियों का जड़ से होगा सफाया। नए साल के साथ रांची पुलिस ने भी बेहतर पुलिसिंग का भरोसा दिलाते हुए संकल्प लिया है। रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा ने कहा है कि रांची को अशांत करने वाले उग्रवादियों, नक्सलियों, अपराधी या कोई भी असामाजिक तत्व, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नक्सलियों और उग्रवादियों का रांची में जड़ से सफाया हो जाएगा। पहाड़ी बाबा मंदिर में उमड़ी भीड़। कोरोना काल में पहली बार पहाड़ी बाबा के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें, सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु कतार में लग गए। हर कोई पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक कर नए साल की शुरुआत करना चाहता था। श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि 6 बजे पट खुलने के बाद करीब 11 बजे तक 5 घंटे में करीब 35,000 श्रद्धालुओं ने पहाड़ी बाबा का जल अभिषेक किया। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।